क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, यानी ऐसी परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए जो पी बटा क्यू के रूप में है। वैसे तो जो परिमेय संख्याएं होती है उनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, यही हमारी डेफिनेशन होती है कि क्यू जीरो नहीं है। कैसे? जहां पी और क्यू पूर्णांक है, तो यही हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा भी है। जिनका एक से एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि जैसे मान लो 15/27 है, 15/21 है, तो मतलब इसको कैंसिल करके, जिस पे कैंसिल होते हैं ये, तीन पे कैंसिल हो जाए ना, 3×5=15 और 3×7=21, तो 5/7, 15/21 की बजाय क्या लेना है, 5/7 लेना है। कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कौन हो, एक ही हो, बस एक के अलावा और किसी पे दोनों इकट्ठे ना कटते हो, ऐसे उदाहरण हमें लेने हैं। उसके बाद और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, या फिर जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यानी कि रुक जाए, जो जिनका दशमलव प्रसार शांत है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कि क्यों को कौन सा गुण है जो संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं हम, कह रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण लीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास में 4th एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट की जो 4th एक्सरसाइज है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है सारी की सारी एक्सरसाइज। तो इसमें कहा है कि पी बटा क्या हो के कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो हमने एक उदाहरण लिया 1/2 पी बटा क्या हो। अब इसका दशमलव रूप में जब हम लिखेंगे 1/2 को, तो 1 को हमने 0.2×10, तो ये हो गया हमारे पास 0.5। इसी तरह से अगर हम 1/5 लें 0.5×10, 1/5 के लिए आ गया 0.2। इसी तरह से अगर हम 1/20 लें 0.0 और 20×105 0.05। हमने कुछ उदाहरण लिए, और लेते हैं कुछ 1/25 लिया या 3/25 लिया, 3/25 लिया, अगर हम 3/25 ले 0.25 एक पे 5×25=50 जीरो, तो 0.12। अब हम एक उदाहरण और ले रहे हैं 1/3, 1/3 के लिए करके देखो 0, 3×9, 3×9, 3×9, 3×9, 3×9, तो इस तरह से चलता रहेगा, तो ये 0.3333 चलता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। देखो इनमें चारों में खत्म हो गया, रुक गया, इनका जो दशमलव प्रसार आया वो कैसा आया, शांत आया, इसका भी शांत आया, इसका भी शांत आया, इसका भी शांत आया। तो हमने लेने कौन से थे उदाहरण, और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार वाले ही हमें उदाहरण लेने थे, यानी कि अशांत या अनवसानी वाले नहीं लेने थे। तो अब इन चारों की बात करते हैं, इसका नहीं आया, अब इन चारों में देखो उसने क्या कहा है कि क्यों का कौन सा गुण इस बात की पुष्टि करता है, यानी कि इस बात को संतुष्ट करता है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखो हम इसको अगर नंबर दे दें 1, 2,
तीन, चार और पांच। अब देखो एक नंबर में क्यू कितना है, दो, दो में क्यू पांच, तीन में क्यू बीस है, जिसको हम लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जब इसको लिखेंगे तो दो गुना दो गुना पांच आ जाएगा। चार में, चार में क्या वो हमारा कितना है, पांच गुना में पांच, और पांच में क्या वो हमारा कितना है, तीन। अब देखो जो पहले चार थे इनका जो दशमलव प्रसार आया वो कैसा आया, शांत आया, और पांचवें का दशमलव प्रसार शांत नहीं आया। इनका दशमलव प्रसार जिनका शांत आया उसको ध्यान से देखो, उसमें क्यों को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, देखो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड ये, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें दो आया, इसमें पांच आया, इसमें कुछ दो आए और एक पांच आया, दो बार दो आए और एक बार पांच आया, इसमें दोनों पांच आए, इसमें दोनों पांच आए, यानी कि दशमलव प्रसार देखो शांत कब आ रहा है, या तो दो हो, अभाज्य गुणनखंड क्या हो, या तो दो हो या पांच हो, या दो और पांच दोनों हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो के और पांच के अलावा अगर आप कोई भी और अभाज्य गुणनखंड आ गया क्या होंगे तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बस ये इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि P बटा क्यू के ऐसे उदाहरण लेने हैं जिसमें P और क्यू पूर्णांक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी बात दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जिसपे कटता है काट देना है पहले ही। अब जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसमें क्यू का कौन सा गुण काम कर रहा है, कौन सा गुण इस बात को संतुष्ट कर रहा है, तो क्यू का जो गुण है वो ये कहता है कि क्यू को जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड या तो सारे दो आए या सारे पांच आए या फिर कुछ दो आ जाए कुछ पांच आ जाए, लेकिन इनके अलावा कोई और ना आए तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्यू को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने पर अभाज्य गुणनखंड दो या पांच या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ना हो, यानी कि और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए दो या पांच या उन दोनों के अलावा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मान लो हमसे वो ये कहे कि 17 बटे में 80 इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 80 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, दो पे किया तो 40, फिर दो पे किया तो 20, फिर दो पे किया तो 10, फिर दो पे किया तो पांच और पांच पे किया तो एक, तो 80 हुआ दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना पांच। अब देखो इसमें या तो सारे दो आए या पांच आए या दो और पांच दोनों आए, देखो कुछ दो आ गए और कुछ पांच आ गए, यानी कि दो और पांच के अलावा कोई और नहीं आया, तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो बिना भाग करे हम बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अब 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखो, यहां तो लिख दिया था हमने 17, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 85, ये 11/3 गुना पांच, पांच तो ठीक था, पांच से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस तीन की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा, अशांत, जिसको हम अनवसानी भी बोलते हैं, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा।
दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.4 पूरी पूरी इस पर बेस्ड है। उसने कहा है कि पी बटा क्या के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण ले लिए, हमने ले लिए काफी सारे, जहां पी और क्या पूर्णांक है और जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, यानी कि काटने के बाद जो बचता है वो वाले उदाहरण ले लिए, और जिनका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत वाले लेने हैं हमें। हमने एक दो उदाहरण ऐसा लिया जिसका अशांत नहीं है ताकि हम कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। और अब यह आपको अनुमान लगाना है कि क्या का कौन सा गुण इसको संतुष्ट करता है कि दशमलव प्रसार शांत कब हुआ। तो जब हमने कुछ उदाहरण लिए तो जिनके दशमलव प्रसार शांत आए, जिनके दशमलव प्रसार शांत आए उनमें हमने देखा कि उनके दशमलव प्रसार शांत क्यों आए, उसमें जब हमने क्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो उसमें या तो दो आया, जैसे हम 17/80 तो 80 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो या तो दो आया या पांच आया या कुछ दो आए कुछ पांच आए, यानी कि दो और पांच दोनों आ गए तो वो शांत है। लेकिन अगर दो और पांच के अलावा कोई भी एक अन्य आ गया तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अनवसानी होगा वो, तो ध्यान रखना है अशांत होगा वो। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का।